नवी मुंबई सांस्कृतिक कला क्रीड़ा महोत्सव का समारोह विधायक मंदा मात्रे ने जन्मदिन पर बांटा पुरस्कार। बीजेपी विधायक मंदा मात्रे के जन्मदिन के अवसर पर आज वाशिष्ठ विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महिला जिलाध्यक्ष दुर्गा घोटे, महामंत्री नीलेश मात्रे, डॉक्टर राजेश पाटिल समेत तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। मंदाताई मात्रे ने यहाँ केक काटा और सैकड़ों समर्थकों से शुभकामनाएं भी स्वीकार की। अपने संबोधन में बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि मैं इस तरह का भव्य बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं चाहती। मेरा मानना है कि ऐसे खर्च बच्चों को कॉपी किताबों के लिए और जरूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए खर्च होने चाहिए। उन्होंने अपने सभी चाहने वालों के प्रति आभार भी जताया। मैं आभार मानू तेवढी कमीच आहेत। कार्यकर्ते माझा वाढदिवस साजरा करतात, विविध कार्यक्रम करून विभागामध्ये हेल्थ चेकअप कॅम्प असेल, रक्तदान शिबिर असेल, चष्मे वाटप असतील, वह्या पुस्तकं वाटप असतील, महिलांचे विविध कार्यक्रम असतील, सगळ्या विभागामध्ये एक प्रोत्साहन देण्याचं काम ही सगळी मंडळी आपले कार्यकर्ते करत असतात। आणि मला आनंद याच्यासाठी वाटतो की विभागामध्ये लोक, आज आपण बघितलं लॉकडाऊननंतर अनेक लोक 7-8 महिने घरी बसले आहेत, कोरोनामुळे अनेक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत। या सगळ्यांच्या ह्याच्यामध्ये मनामध्ये एक स्फूर्ती निर्माण करण्यासाठी कलाकारांचे पण विविध कार्यक्रम घेतले आणि त्याच्यातून कलाकारांनासुद्धा आपण प्रोत्साहन दिलं आहे। नुसता वाढदिवस हे निमित्त नाही, तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत अप्रूज होऊन त्यांना बाहेर काढणं, रस्त्यावर काढणं, त्यांच्याकडनं काम करून घेणं, कारण करोना काळामध्ये लोक घाबरले आहेत, भिले आहेत आणि घरात बसले आहेत, एक प्रोत्साहन देण्याचं काम या वाढदिवसानिमित्ताने या नव्या मुंबईतील बेलापूर मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्त्यांनी केलेल्या, मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। साने विधायक के जन्मदिन के अवसर पर नवी मुंबई सांस्कृतिक कला क्रीड़ा महोत्सव का पुरस्कार वितरण भी हुआ। ये स्पर्धाएं लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पद्धति से ली गई थी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इन्हीं कला क्रीड़ा स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्पर्धा के सहभागियों और विजेताओं ने भी मंदाताई मात्रे को लोकप्रिय और जनसेवी विधायक बताया और उनके दीर्घायु की मंगल कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।